गुलाबी नगरी जयपुर अपनी स्थापत्य कला, ऐतिहासिक महल और किलों के लिए हमेशा से पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र रही है। यहाँ का हवा महल, जंतर मंतर, सिटी पैलेस और किले देशी और विदेशी पर्यटकों को बेहद पसंद आते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक इन इमारतों को, खूबसूरती को अपनी यादों में लेकर जाते हैं। इन दिनों जयपुर में पर्यटकों की आवक बढ़ी है, जिससे गुलाबी शहर गुलजार हो रहा है। जयपुर का जंतर मंतर विश्व प्रसिद्ध है और ये अपने आप में विश्व विरासत सूची में शामिल है, तो अपने आप में बहुत अलग है। और जयपुर के जो दूसरे मॉन्यूमेंट है, जैसे आमेर किला है, हवा महल है, उससे अलग हटके यहाँ, क्योंकि ये यंत्र बने हुए हैं लगभग 16, तो उनको देखने के लिए टूरिस्ट देश विदेश से आते हैं। काफ़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी यहाँ आ रहे हैं और विदेशी पर्यटकों की आवक प्रतिदिन लगभग 600 से 700 रहती है औसत, और भारतीय पर्यटकों की संख्या इस वक्त पीक सीजन है, इस कारण 9 से 10 हज़ार तक करीब टोटल टूरिस्ट पहुंच रहे हैं। और यहाँ उनको ये अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा कि ये जो जंतर मंतर में यंत्र हैं वो यहीं हैं और कहीं किसी दूसरे मोन्यूमेंट पे नहीं है, तो ये मोन्यूमेंट अपने आप में एक सबसे अलग है। I like the temples in Jaipur, and I think the people here is very nice in every Indian cities also. But I don't really know. We have only been here today and yesterday. This is very big, and I didn't expect that was very. It's very cool. This monument is very cool, and it's. It shows the time very exactly, and you can see every star sign and the North Pole star. Yes, it's really cool. हमें इसके बारे में मतलब जान के बहुत अच्छा लगा। हमने इसे फिजिक्स सीखी, हिस्ट्री सीखी और भी बहुत सारी जानकारियाँ मिली, जैसे कि यहाँ पे समय के बारे में और भी बहुत सारी हिस्ट्री के बारे में हमें जानकारियाँ मिली, तो बहुत अच्छी जगह है। जंतर मंतर में आकर हमने बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान दिया, जैसे हमने यहाँ पर आकर समय को देखा और एंगल्स के बारे में भी देखा।